उषा क्रिएटिव लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बता रही हूँ ऐसा स्नैक्स जिसे लोग फेंक देते हैं डस्टबिन में, लेकिन वह काफ़ी यूजफुल है। मैंने गोभी खरीदी है अभी और उसके डंठल ये काट करके धो के साफ़ कर लिए हैं। इसको अच्छे से साफ़ कर लो। मैंने धो लिया है। इसके हम पतले पतले पीसेस काटेंगे इस तरीके से। फिंगर्स काट लेंगे इस तरीके से, हम काटेंगे इसको। ये हमने काट लिया। अब हम इसमें थोड़ा सा पैन को यहाँ पर रखेंगे, गैस पर गैस ऑन कर देंगे। हल्का सा ऑयल डालेंगे और इसे ऑयल ज़्यादा नहीं डालना है, बस हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है। ना ही इसको डीप फ्राई करना है ना ही इसको शैलो फ्राई करना है। ये थोड़ी देर में ही अच्छे स्नैक्स बन जाएंगे हमारे। बहुत ही अच्छा डेजर्ट है। हमारे सिकना शुरू हो गए हैं। इतने हम प्लेटिंग की तैयारी करते हैं। देखिए ये चटनी ली है मैंने, धनिया पुदीने की, ब्लैक सॉल्ट लिया है और काली मिर्च लिया है। चटनी में ऑलरेडी मैंने खट्टाम डाला है, इसलिए मैंने नींबू नहीं लिया। अगर इसमें हम टमाटर डालेंगे या दही यूज़ करेंगे तो हम स्नैक्स के ऊपर नींबू निचोड़ेंगे। ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं और हेल्दी है, बहुत जल्दी बन जाता है। अब गैस ऑफ कर देंगे हम। तीन से चार मिनट के बीच में ये तैयार हो जाता है। अब हम इसे सर्व करेंगे। निकाल लेते हैं प्लेट में हम। इसके ऊपर थोड़ा काली मिर्च डालेंगे। थोड़ा सा काला नमक की चटनी में भी हमारा नमक है। थोड़ा सा चाट मसाला। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। न्यू व्यूअर्स सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए मैं नई वीडियो डालूं तो तुरंत आप तक पहुंच जाए। आप इसे बनाइए, जब भी कभी गोभी खरीदें तो इस रेसिपी को ज़रूर कीजिए ट्राई और मेक एंड एन्जॉय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।